नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप वर्मा एंड आई एम फ्रॉम कैंटन। स्वागत है आपका रेविट आर्किटेक्चर ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रिड के बारे में, आर्किटेक्चरल कॉलम के बारे में एंड स्ट्रक्चरल कॉलम के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर किसी न्यू यूजर ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियोज अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना मत। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ग्रिड की। आर्किटेक्चर टैब में लास्ट में आपको यहाँ पे मिलता है ग्रिड। ग्रिड किस लिए होता है? ग्रिड होता है कि आपको वॉल्स वगैरह बनानी है, उससे पहले जैसे आप एलिवेशंस में लेवल्स बनाते हैं, जैसे आप एलिवेशन में लेवल्स बनाते हैं, वैसे ही आप टॉप से ग्रिड बनाते हैं ताकि आप उसके ऊपर वॉल्स वगैरह इजिली बना पाए, और सबसे मेन होता है कि आप कॉलम्स वगैरह को इजिली वहां पे पुट कर पाए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कॉलम बनाता हूँ और ग्रिड बनाता हूँ। ग्रिड के लिए आप ग्रिड पे क्लिक करें। ग्रिड पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन देता है कि आप किस ऑप्शन से ग्रिड बनाना चाहते हैं, ऑफसेट कितना रखना चाहते हैं। मान लो आपने क्या क्या ग्रिड बनाया और आपने एक ग्रिड बना दिया, क्लियर। ये आपने एक ग्रिड यहाँ पे रेडी किया। आप ग्रिड को रिनेम कर सकते हैं, कैसे, आप इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नेम डाल सकते हो कि 1, 2, 3, 4 या ABCD करके आप इसको नाम डालना चाहते हैं। दोबारा से मैंने ग्रिड लिया। आप ग्रिड अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जहां जहां पे भी आपको ग्रिड चाहिए, जितने डिस्टेंस पे आपको ग्रिड चाहिए आप वैसे ग्रिड बना सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपने लेवल्स बनाए थे, ऐसे करके आप अपने ग्रिड्स को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। और अगर आप रेडी करना चाहते हो ऑफसेट के थ्रू, तो आप यहाँ पे बना के यहाँ पे ऑफसेट डाल सकते हैं कि मेरे को 10 फीट का ऑफसेट चाहिए, और ऑफसेट डालने के बाद आप यहाँ से पिक लाइन चूज करें ताकि आप यहाँ से ऑफसेट डाल के इजीली अपने ग्रिड्स को बना पाए, क्लियर। अब ये ग्रिड्स जो लगे हैं वो इक्वल लगे हैं, ये ग्रिड्स अनइक्वल है, मेरे को सभी इन ग्रिड्स को इक्वल करना है, इक्वल डिस्टेंस पे करना है। तो उसके लिए एनोटेट पे जाएं, अलाइन डायमेंशंस लें, और आप यहाँ से ये कंटिन्यूस डायमेंशन यहाँ पे अप्लाई करें, क्लियर, और इसे कर दे इक्वल, तो वो आपके सारे ग्रिड्स वहां पे, क्लियर दोस्तों। अब आप इसे हटाना चाहें तो आप इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते। उसके बाद अब आपने मान लो कॉलम्स बनाए, कॉलम्स के ऊपर अगर आपको ग्रिड बनाए, ग्रिड के ऊपर अगर आपको वॉल्स बनानी है, तो उसके लिए आप यहाँ से वॉल पे क्लिक करें। आप इजिली अब अपनी वॉल्स को क्रिएट कर सकते हैं, आपको डायमेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कोई भी ले सकते हैं, आप एक्सटीरियर इंटीरियर सेंटर लाइन, और आप इजिली आप यहाँ से अपनी वॉल्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे भी आपको यहाँ पे वॉल क्रिएट करनी है आप इजिली अपनी वॉल्स को क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर। ये जो ग्रिड्स होंगे वो आपको लेवल्स पे ही नजर आएंगे, बट जब आप 3D पे जाते हैं तो आपको 3D में आपके ग्रिड्स नजर नहीं आएंगे, क्लियर। उसके बाद है आप दोबारा से लेवल 1 पे गए। अब बात करते हैं कॉलम्स को ऐड करने की। कॉलम्स को ऐड करने के लिए बेसिकली क्या रहेगा, आप कॉलम्स के लिए यहाँ पे जाएं, आपके पास 2 टाइप्स के कॉलम है, एक है स्ट्रक्चरल कॉलम और एक है आर्किटेक्चरल कॉलम। सबसे पहले तो समझते हैं व्हाट इज स्ट्रक्चरल कॉलम। स्ट्रक्चरल कॉलम होता है एक्चुअल कॉलम्स के अंदर स्टील ऐड करने के लिए, जो स्ट्रक्चरल पर्पस से आपके कॉलम्स को बनाए जाते हैं उसके अंदर जो स्टील प्रोवाइड करते हैं वो वाले कॉलम्स होते हैं, जो आपके स्ट्रक्चरल कॉलम होते हैं जो आपके लोड बियरिंग पर्पस से लगाए जाते हैं, क्लियर। तो वो उसके अंदर स्टील का यूज करते हैं, और आर्किटेक्चरल कॉलम होते हैं नॉर्मल कॉलम जो आपके रेक्टेंगुलर कॉलम होते हैं या फिर आपके सर्कुलर कॉलम होते हैं, कुछ डिजाइनेबल कॉलम होते हैं जो आप छज्जे वगैरह के नीचे लगाते हो और जो आप अपने बिल्डिंग्स में जैसे कॉर्नर निकले हुए होते हैं वहां पे लगाते हो, तो उसके लिए आप आर्किटेक्चरल कॉलम का यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम यूज करते हैं आर्किटेक्चरल कॉलम को। आर्किटेक्चरल कॉलम मैंने सिलेक्ट किया, बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे कॉलम आया वो रेक्टेंगुलर कॉलम आया, और जो साइज है वो 18x18 by 24 inches and 24 by 24 inches। मान लो मैं 24 by 24 inches यहाँ से यूज करता हूँ, आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाके क्लिक करें। ये देखो इसमें सबसे मेन चीज क्या है कि ये कॉलम आपकी वॉल्स के साथ मर्ज हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं ये कॉलम आपकी वॉल्स के साथ मर्ज हो जाते हैं, जहां पे भी आप कॉलम को लगाएंगे आपकी वॉल्स के साथ वो मर्ज हो जाएंगे। ये आपके होते हैं आर्किटेक्चरल कॉलम, इनको आप
इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जहां पे भी आपको लगाना है आप यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करते ही वो आपके कॉलम्स लग जाएंगे। क्लियर? अब मान लो मैंने यहाँ से स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरल कॉलम ऐड की, मैं एक बार ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद ये ऐड होने के बाद एक ऑप्शन आता है यहाँ पे मूव विद ग्रिड। मूव विद ग्रिड का क्या मतलब होता है कि मान लो आपने कॉलम लिया और आप इस कॉलम ग्रिड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे लगाना चाहते हैं, आप इस पे क्लिक करें। इससे क्या होगा कि अगर आप ग्रिड को मूव करते हैं तो उसके साथ आपका कॉलम भी मूव करेगा। ये होता है मूव विद ग्रिड को मतलब। मैंने यहाँ पे अंडू करता हूँ, अंडू मैंने किया, इसको डिलीट करना है, इसको सिलेक्ट करके मैंने डिलीट किया। अगर आपको और स्टाइलिश कॉलम चाहिए तो आप यहाँ पे कॉलम पे को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप क्लिक करें, आपको वही वॉल के अंदर जो चीजें रहती हैं, बेस लेवल क्या है कि कहां से स्टार्ट है, बेस ऑफसेट क्या है कि बेस से कितनी हाइट से स्टार्ट है, टॉप लेवल क्या है कि कहां पे फिनिश है, और टॉप ऑफसेट मतलब टॉप से कितना ऊपर है कितना नीचे आपका फिनिश है। तो ये आप इन चीजों में कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चरल कॉलम। स्ट्रक्चरल कॉलम होते हैं जो स्ट्रक्चरल पर्पस से लगाए जाते हैं। स्ट्रक्चरल पर्पस से मतलब मान लो मेरे को इसके अंदर स्टील लगाना है या फिर मेरे को स्टील यूज करना है। सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल कॉलम। मैं इतने पोर्शन को एक काम करता हूँ, मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आपको पहले स्ट्रक्चरल कॉलम समझा पाऊँ। हाइड करने के लिए बेसिकली मैं क्या करूंगा, इनको सबको सिलेक्ट किया, दो तीन ऑप्शन से आप हाइड कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें, हाइड इन व्यू एंड एलिमेंट, जितने एलिमेंट्स को आप सिलेक्ट करेंगे सभी हाइड हो जाएगा। क्लियर? या फिर मैंने अंडू किया, मान लो मैंने हाइड किया, हाइड करने के बाद आप राइट क्लिक करें, हाइड इन व्यू एलिमेंट, ये आपका हाइड हो गया। अगर इसको वापस लेके आना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिवील हिडन एलिमेंट्स, आप इस पे क्लिक करें, जो आइटम्स आपके हाइड होंगे वो आपको कुछ इस टाइप से नजर आ जाएंगे। आप उनको फर्दर सिलेक्ट करें, फर्दर सिलेक्ट करने के बाद जो डीसेलेक्ट करना है आप उसे डीसेलेक्ट करें। डीसेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से डीसेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया आपने यहाँ से, सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें, ये भी आपने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, अनहाइड इन व्यू और एलिमेंट, आप अनहाइड ऐसे कर सकते हैं। क्लियर? दोबारा से रिवील हिडन एडिटर पे क्लिक करें, वो आपका अनहाइड हो जाएगा। या फिर आप सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है ये वाला temporary hide and isolate। hide होता है किसी चीज को hide करने के लिए और isolate होता है उस चीज को छोड़ के सब चीजों को hide करने के लिए। मान लो मैं क्लिक करता हूँ और मैं कर देता हूँ hide element, तो क्लिक करें तो वो आइटम temporary hide हो जाएगा। वापस लेके आने तो क्लिक करें, रिसेट कर दे तो वापस वो आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो मान लो मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं इसको temporary hide कर देता हूँ, hide element। अब मैं समझाता हूँ थोड़ा सा structural column के बारे में। स्ट्रक्चरल कॉलम होता है, मान लो मैंने स्ट्रक्चरल कॉलम लिया, बाय डिफॉल्ट जो आपको यहाँ पे कॉलम नजर आएगा वो आई सेक्शन में नजर आएगा और जो आपके इस साइज में यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कि आपको वर्टिकल कॉलम चाहिए या आपको स्लांटेड कॉलम चाहिए। क्लियर? ऑन ग्रिड चाहिए या ऑन एट कॉलम चाहिए, ये आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। कैसे कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको अभी क्लियर करता हुआ चला जाता हूँ। अब बात करते हैं, आपने लिया वर्टिकल कॉलम,
जो आपने वर्टिकल कॉलम लिया, बाय डिफॉल्ट आपका जो यहाँ पे आएगा डेप्थ आएगा अनकनेक्टेड 9 फीट। इसका मतलब आप लेवल वन से कॉलम को बना रहे हो और लेवल वन से जाएगी डेप्थ कितने फीट पे, 9 फीट पे, मतलब वो लेवल वन से 9 फीट पे बनेगा। रीजन क्या होता है, जब स्ट्रक्चरल पर्पस से हम किसी भी चीज को यूज करते हैं तो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स होता है वो डाउनवर्ड यूज होता है, तो हम नीचे उस स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं। तो अब एक्चुअल में क्या है कि आपको करना क्या है, आप कहीं पे भी अगर क्लिक करेंगे, अगर आप कहीं पे भी क्लिक करते हैं, मान लो आपने यहाँ पे क्लिक किया, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे क्लिक किया, तो आपका कॉलम बन जाएगा, बट एक वार्निंग शो करेगा। वार्निंग इसने क्या शो की कि जो आपका कॉलम यहाँ पे प्लेस हुआ है वो लेवल वन से डेप्थ पे यूज हुआ है 9 फीट पे, तो इस लेवल पे आपको कॉलम नजर नहीं आएगा। उसके लिए आप जाए किसी भी एक एलिवेशन पे, ताकि आपको देखो यहाँ से दिख जाएगी आपका कॉलम यहाँ पे लगा है जो डेप्थ पे लगा है, क्लियर। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने इसको क्लिक किया, डिलीट किया, दोबारा लेवल वन पे जाता हूँ। दोबारा लेवल वन पे जाने के बाद मैं दोबारा से यहाँ से चूज करता हूँ स्ट्रक्चरल कॉलम, मैंने लिया वर्टिकल कॉलम, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि मेरे को हाइट पे चाहिए और कनेक्ट हो जाए लेवल टू से, तो अभी जो आपका कॉलम लगेगा वो लेवल वन और लेवल टू के मिडल में लगेगा। अब आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपका कॉलम लग गया और आपके पास कोई वार्निंग भी शो नहीं हुई, जैसे आपने ये कॉलम लगाया, ये कॉलम लगाया। अब अगर आप इसे देखते हैं एलिवेशन पे तो आपका देखो लेवल वन से लेवल टू के मिडल में लगा है, और अगर आप 3D पे जाके देखते हैं तो आपका कॉलम इस टाइप में यहाँ पे लगा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ से भी हाइड कर देता हूँ, सबको सिलेक्ट किया, फिल्टर किया। फिल्टर में क्या होता है कि आपने जितनी भी चीजों को सिलेक्ट किया हुआ वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। मेरे को सिर्फ कॉलम्स एंड वॉल सिलेक्ट करने हैं एंड ओके, और इसको मेरे को हाइड कर देना है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ हाइड, तो ये कॉलम आपके इस टाइप में यहाँ पे नजर आ जाएंगे, क्लियर। अब ये कॉलम मेरे को नहीं चाहिए, अगर मान लो ये कॉलम मेरे को चाहिए कि मेरे को ये तीनों कॉलम यहाँ पे, जैसे मैंने कॉलम यहाँ पे लगाए हैं, मैंने सिलेक्ट किया, डिलीट किया, मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे ग्रिड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट है सब पे मेरे एक एक कॉलम लग जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ स्ट्रक्चरल कॉलम, हाइट मैंने यहाँ से प्रोवाइड की लेवल टू तक, वर्टिकल कॉलम, और मैं कर देता हूँ ऐड। ऐड ग्रिड पे क्लिक करें, आप सभी ग्रिड्स को सिलेक्ट कर लें। सभी ग्रिड को सिलेक्ट करने के बाद देखो आपके कॉलम यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे, उसके बाद आप फिनिश कर दें। फिनिश करने के बाद आप जाएं 3D में, 3D में जाने के बाद ये देखो आपके ग्रिड के जितने भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट थे सभी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आपके कॉलम लग चुके हैं। ये आपके आई सेक्शन वाले कॉलम हैं जिनको आप यहाँ से यूज कर सकते हो। अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये वाले कॉलम नहीं चाहिए तो आप दूसरे वाले कॉलम भी यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्ट्रक्चरल कॉलम पे क्लिक करें, आप चले जाएं लोड फैमिली पे। लोड फैमिली पे जाने के बाद एक तो आपको मिलता है नॉर्मल कॉलम, बट ये है आर्किटेक्चरल कॉलम, आपको जाना है स्ट्रक्चरल के फोल्डर, ये आपका स्ट्रक्चरल का फोल्डर है। यहाँ पे आपको जो कॉलम मिलेंगे वो स्ट्रक्चरल कॉलम होंगे जो विद स्टील होंगे, स्टील के कॉलम आपको चाहिए, कंक्रीट के चाहिए, आप कोई भी कॉलम यहाँ से यूज कर सकते हैं कि मेरे को किस टाइप के यहाँ पे कॉलम यहाँ से चाहिए। जो भी आपको कॉलम चाहिए, मान लो कंक्रीट के चाहिए या स्टील के चाहिए, जैसे भी आपको कॉलम चाहिए वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, एट ग्रिड प्लेस करने हैं या फिर एट कॉलम आपको प्लेस करने हैं वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद है कि मान लो मेरे को कॉलम चाहिए, वो चाहिए स्लैंटेड कॉलम, तो मैंने यहाँ से कॉलम लिया स्ट्रक्चरल कॉलम। स्लैंटेड कॉलम हो, स्लैंटेड कॉलम होते हैं थोड़े से स्लोप में लगाने के लिए, स्लैंटेड कॉलम मैंने लिया। स्लैंटेड कॉलम में क्या होता है कि आपको एक फर्स्ट क्लिक करना होता है, एक सेकंड क्लिक करना होता है। आप जो फर्स्ट क्लिक करेंगे वो लेवल वन से -9 फीट पे होगा और जो आप सेकेंड क्लिक करेंगे वो लेवल वन पे होगा 0 फीट पे, क्लियर। अब फंडा क्या है एक्चुअल में, मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एक क्लिक मैंने यहाँ पे, अगर मैं अब इसे 3D में जाके देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 3D में जाके देखता हूँ इसे, तो ये ध्यान से देखें, मैं फ्रंट से जाके तो देखता हूँ, तो ये आपका स्लैंटेड कॉलम है।
ये जो आपका क्लिक हुआ वो लेवल वन से -9 फीट की डिस्टेंस पे, ठीक है, और जो ये है वो 0 फीट पे हुआ। मैं इसको क्लिक करके इसके डिस्टेंस को कम कर सकता हूँ कि मेरे को ये डिस्टेंस -1 फीट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे -1 किया। तो आप ऐसे यहाँ से यूज कर सकते हैं, बट आप इसे कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो वो बीम बन जाएगी, तो ये बीम नहीं है, एक कॉलम है, इसलिए वो हॉरिजॉन्टली कम्प्लीटली नहीं हो सकता। तो कोई भी स्लैंटेड पर्पस से लगाने के लिए हम इसका यूज यहाँ पे करते हैं। आप ड्रैग करके भी इसको कर सकते हैं, और आप इसकी कॉलम की हाइट को भी यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि मेरे को इस टाइप में कॉलम चाहिए, क्लियर। तो ऐसे आप स्लैंटेड कॉलम का यूज कर सकते हैं। तो ये है आपका आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल कॉलम। अब बात करते हैं कि मान लो मेरे को जो स्ट्रक्चरल कॉलम चाहिए वो चाहिए जो आपके आर्किटेक्चरल कॉलम है उनके मिडल में, तो उसके लिए में स्टील्स वगैरह यूज करने के लिए जो स्ट्रक्चरल पर्सन रहते हैं, जो स्ट्रक्चर पर वर्क करते हैं, वो इन सब चीजों को यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये था आपका आर्किटेक्चरल कॉलम और स्ट्रक्चरल कॉलम को आप कैसे यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अब इसका प्रोफाइल को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ कि मेरे को ये अब 2 फीट के आसपास चाहिए, एंड ओके, तो उसके अंदर वो स्टील वहां पे प्राइड हो जाएगी, क्लियर दोस्तों। तो ये होते हैं आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल कॉलम को आप कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे आप ग्रिडिंग कर सकते हैं अपने प्लान के अंदर वॉल्स और कॉलम्स को प्लेस करने के लिए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, प्लीज बने रहें मेरे साथ, ऐसे ही मैं आपके लिए और भी वीडियोज लाता रहूंगा और जल्दी से जल्दी मैं वीडियो लाने की ट्राई करूंगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।